सो गाइस पहुंच चुके हम लोग यहाँ पे, और बस अभी आप देख सकते कितने सारे लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। ये स्टेशन है मंदार हिल विद्यापीठ, ऐसे करके कुछ है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट। यहाँ पे कोई भी स्टेशन वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग उतरे हुए हैं। और क्योंकि 14 जनवरी को वहाँ पे मेला लगता है, इसीलिए भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, और मेरा भी बहुत दिनों से मन था, इसीलिए मैं आज निकल पड़ा अकेले ही। क्योंकि 1 जनवरी को जब मैं 1 जनवरी के लिए जब मैं प्लान बना रहा था दिसंबर में, तो उसमें भी क्या हुआ था कि 2-3 दोस्तों ने बनाया था प्लान, तो वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाया था क्योंकि उनका मन बदल गया, तो फिर मैं भी नहीं जा सका। इसलिए इस बार मैं अकेले ही निकल पड़ा हूँ, और बस ये भी देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। यहाँ पे अराउंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ट्रेन जो खुल चुकी है मंदार हिल की के लिए, ओके। एंड इधर से ही रोड है, और ये है शॉर्टकट थोड़ा खेत के द्वारा के थ्रू है, और ये ट्रेन अभी देखिए आप जैसा कि खुल चुकी है। एंड बहुत सारे लोग एंड ह्यूज पीपल आर कमिंग। अगर मैं एक अप्रोक्स लगाऊं तो अराउंड 1000 लोग तो होंगे ही। 4K में थोड़ी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैं अभी ये 1080 30 FPS पे कर दिया है, तो इसमें देखिए आप स्टेबल भी वीडियोस आ रही होंगी और अच्छी है। और यहाँ पे कुछ जुआ का चल रहा है, मैं ये सब नहीं कर रहा। This is a kind of juva like, okay. So, yeah. अभी ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये मंदार हिल जहाँ से हम लोग अभी जाने वाले हैं, और ऊपर पहाड़ पीक के ऊपर चढ़ने वाले हैं। अभी जो है बहुत सारा मतलब यहाँ पे फॉगी डे है एक तरह से, तो इसीलिए आपको थोड़ा पहाड़ जो है साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही नज़दीक है। एंड या सो अभी सुबह के हो चुके हैं 9:29, और मैं जा रहा हूँ मंदार हिल। आप सड़क पे देख पा रहे हैं, यही सड़क जाती है, क्योंकि हम लोग उतरे थे इधर पीछे बैठे हुए थे ट्रेन में, तो इसीलिए पीछे उतरे थे, और इसीलिए वो शॉर्टकट मैंने लिया था। बहुत सारे लोगों ने लिया था, मैं भी लिया था, ओके। सो ये है मेन रोड जो है जाती है मंदार हिल की ओर, मैं इसी से जा रहा हूँ अभी। खेत से ऊपर आकर के मैं रोड पर आ चुका, रोड पर मतलब आ चुका हूँ। सो गाइस ये पहाड़ की जो ऊंचाई है वो है अराउंड 700 फीट, और अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे देवताओं ने देवियों के साथ मिलकर सागर मंथन किया था, और बस ये है यहाँ की कहानी। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैं विकिपीडिया का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन नो वट एवर यू वॉन्ट, ओके। सो आप जान सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जो कि आप देख सकते हैं दिख रहा है, और सो गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो द बेस्ट वे इज़ टू ट्रेन और टेक बस, बसेस ओके। यहाँ भागलपुर स्टेशन से जंक्शन से मतलब सीधी ट्रेन चलती है यहाँ के लिए, इसी से मैं आया हूँ अभी, और बस वहाँ से आप आ सकते हैं, 2-3 घंटे लगते हैं वहाँ से, 50 किलोमीटर की दूरी पे, अपना आप खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं, ओके। इस जगह का नाम है मंदार हिल पर्वत। I am very excited about this place and can't wait to visit anyone. So guys, मैं अभी पहुँचने ही वाला हूँ, और हमारे पीछे ही है
शानदार पर्वत। गाइस आज है 14 जनवरी, सो आज लाइक हम लोग खाते हैं दही चूड़ा। आज देखते हैं यहाँ का क्या सीन रहता है, क्योंकि ऐसे मैं परसों ही सुबह मैंने खा लिया है, जब मैं घर से निकला था तो तभी मैंने खा लिया था। आप देखिए यहाँ का क्या सीन रहता है, क्योंकि मैं साथ में तो कुछ लेके नहीं आया हूँ, और अगर यहाँ पे मिलता है सब कुछ तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि बस मज़ा ही आ जाएगा फिर क्या। और बस यहाँ पे बहुत सारी वहीकल या भी गाड़ियाँ लगी हुई है, मुझे नहीं पता लगता था कि इतना गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ पे, और आई वॉज नॉट नोन ऑफ दैट। सो मैं फाइनली अपना मतलब एंटर कर चुका हूँ, और ये जो ये एंट्री गेट है, सो गाइज इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड या अच्छा लगता है यार, दिल से अच्छा लगता है जब कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं ना तो। और ऐसे मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज बनाने का, इसलिए मैं बनाता हूँ। एंड या दिस द ऑल दैट थिंग्स। ओके सो ये कुछ यहाँ से ये रोड पर से नज़ारा है ऊपर का, और बहुत सारे लोग आपको शायद दिख रहे होंगे, ये देखिए चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो जो आपको लाइन दिख रही है वही चढ़ रहे हैं, और मुझे भी चढ़ना है उसी पे, एंड दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग एंड आई डोंट थिंक सो, तो मैं चढ़ लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे। सो या दैट्स द सीन। इतना बहुत ही लंबा रोड है यार ये तो, अराउंड 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं, और अभी तक भी ये डेस्टिनेशन तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, अभी देखते हैं आगे कितना दूर चढ़ना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे दो एंट्री है शायद, एक इधर से है और एक आगे की तरफ से है शायद, मुझे लगता है ऐसा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड, मुझे नहाने के लिए जगह ढूंढना है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू बाथ सम फर्स्ट। ओके एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज हियर, ये है यहाँ का कुछ मार्केट, ऐसा मार्केट ही कह सकते हैं काइंड ऑफ। और ये देखिए दूसरी एंट्री जो है यहाँ से है। ओके और ये बस कुछ प्यारे प्यारे, आप अंगूठियाँ वगैरह भी मिल रही है, वो भी आप खरीद सकते हैं, ये सॉक्स वगैरह। गाइस सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, एंड आप देख सकते हैं अ ह्यूज पीपल आर हियर, एंड वाओ वाओ आई नेवर सीन लाइक दिस। सो गाइस मैं इसी में नहाने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास कपड़े हैं सारे, कल मैंने सारा कपड़ा जो है वो धो लिया था, ठीक है। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, एंड दिस इज द बेस्ट नज़ारा, ओके आई कैन से दैट। और ऊपर
आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, लेकिन वो रोपवे वाला भी कुछ सीन ऊपर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो है। और यहीं पे मैं वो भी करने वाला हूँ, देखता हूँ कैसे सीन होता है। सबसे पहले मैं नहाता हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगा, ठीक है। अभी हमारे पास पूरा दिन है और शाम में मेरी ट्रेन है फिर से वापस भागलपुर के लिए, तो या कुछ वैसा सीन है। इससे पहले मैं जाता हूँ नहाने के लिए, सुबह मैंने जैसे आपको बताया था कि सुबह पानी वानी सारा चला गया था और मैं 5:30 बजे करीब करीब उठा था, तो मैं टॉयलेट भी नहीं जा पाया था, तो मैंने टॉयलेट भी यहाँ पे ढूंढ लिया है। और ये कुछ सीन है यहाँ का, आई डोंट थिंक ये सही होगा, मैं कोई दूसरा ढूंढता हूँ क्योंकि ये फ्री वाला है, फ्री वाला जानते ही हो आप कैसा होता है। ओके गाइस, सो या देयर इज अ सीन एंड क्या कर सकता हूँ, देखता हूँ अभी। सुबह बहुत ढूंढने के बाद भी एक भी टॉयलेट मुझे नहीं मिला, टॉयलेट था लेकिन सिर्फ वो टॉयलेट के लिए था, मुझे कुछ और करना था। तो बस अभी ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे कि मुझे जाना पड़ेगा बाहर। सो तो मैं कहीं अभी बाहर जी जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा सीन होता है, सब कुछ सिर्फ एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस, और जो सारा काम था वो खत्म हो चुका है फाइनली, एंड मैं आ गया हूँ यहाँ पे नहाने के लिए। पता नहीं पानी कैसा ठंडा है, लेकिन ये देखिए मज़ा तो आने वाला है, ये तो कन्फर्म बात है। तो अभी मैं तो अभी सोलो ही हूँ, मतलब अकेला ही हूँ, तो कहीं बैग रखने का जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह तो जो भी होंगे वो मेरे बैग में ही होंगे, सब कुछ तो मेरे बैग में ही होगा। तो कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ, मैं अपना बैग रखता हूँ और बैग का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरी सामान है, तो बैग का ध्यान रखते हुए मैं नहाऊंगा। उसके बाद नहाने के बाद मैं पूजा करूँगा थोड़ा, उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा होता है आज का दिन, चलते हैं नहाने के लिए।